तो हिमाचल प्रदेश में राजनीति नो नवो विवाद बन्या सीएम ना समोसा अने केक स्टाफ खाई जता सीआईडी तपास। हिमाचल सीएम सुखू माटे लावामां आव्या हता केक अने समोसा। रेडिसन होटल माथी मंगावेला समोसा अने केक ने स्टाफ में वहेंची देवामां आव्या। केक अने समोसा कोई खाई गया तेने लईने सीआईडी तपास हाथ धरवामां आवी। सीआईडी तपास में घटना ने सरकार विरोधी कृत्य गणावामां आव्युं। भाजपे समोसाना विवाद ने लईने कांग्रेस पर प्रहार कर्या छे। भाजप धारासभ्य सीएम सुखविंदर सिंह सुखू पर प्रहार कर्या छे। जनता परेशान छे अने सरकार ने सीएम ना समोसानी चिंता छे। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार जब से सियासत में आई है, कई सारे ऐसे मामलों पर सुक्खू सरकार विवादों में रही है। अब मामला इस समोसे से जुड़ा है। जी हाँ, यही समोसा आज पूरा दिन हिमाचल प्रदेश की सियासत में भूचाल लाता रहा। दरअसल 21 अक्टूबर का दिन था और 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के सीआईडी मुख्यालय में, जो कि शिमला में स्थित है, वहां पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर मौजूद थे और उस दौरान उनके लिए सीआईडी विभाग के आला अधिकारियों द्वारा शिमला के 5-स्टार रिजॉर्ट से समोसे और केक मंगवाए गए। लेकिन जब कार्यक्रम के दौरान इस रिफ्रेशमेंट को वीआईपी को परोसा जाना था, तब समोसे वहां से गायब थे, जिसके बाद ये पूरा मामला एक इंक्वायरी में बदल गया और सीआईडी के आला अधिकारियों ने एक इंक्वायरी इनिशिएट की, जिसमें डीएसपी लेवल के, एसआई लेवल के, एएसआई लेवल के अधिकारियों को इस पूरे ही मामले पर इंक्वायरी करने के जो है वो निर्देश दिए गए, जिसके बाद इस पूरे ही समोसा प्रकरण पर एक लिखित तौर पर सीआईडी के आईओ ने इंक्वायरी रिटर्न में दी, जिसके बाद ये स्टेटमेंट और इंक्वायरी के दस्तावेज लीक होने के बाद ये पूरा मामला सबके सामने आया। जी हां, जिसके बाद आज पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को विपक्ष में बैठी भाजपा के तमाम नेताओं ने घेरने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे ही मामले पर मुख्यमंत्री से जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री इन समोसे से जुड़े सवालों पर जो है वो दूरी करते नजर आए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, इस समोसे से जुड़ी सीआईडी जांच पर डीजी सीआईडी को खुद आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा, जिसके बाद डीजी सीआईडी ने कहा कि ये मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि इसकी इंक्वायरी लीक होना जो है वो बेहद गंभीर है और कहीं ना कहीं इस इंटरनल मामले को राजनीतिकरण देना ठीक नहीं है। कैमरा